हेलो दोस्तों, आज हम सिलने जा रहे हैं कफ्तान गाउन। तो सिलने जा रहे हैं, सबसे पहले लगाते हैं रेब। रेब मैंने काट के रखी है, तो रेब लगाते हैं। इसको हम रखेंगे सीधी साइड। तो ये है हमारा शोल्डर। रेब को हल्का हल्का खींचना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, गले को नहीं खींचना बिल्कुल भी। और एक पैर का टांका लगाते हुए लेके आना है, फिर इसके किनारे पे टांका लगाना है। और रेब को अंदर की तरफ मोड़ते हुए किनारे पर टांका लगा के अपना गला तैयार हो गया है। अब लगाते हैं हम इसकी पट्टी। जो कमर की ओर निशान लगाया है वहाँ पट्टी लगाएंगे, जहाँ 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पट्टी मैंने काट के रख रखी है, ये है 2 इंच की। इसको फोल्ड करते हुए किनारी से और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए लाएंगे। लाइन के आधा से नीचे सेंटर में आएगा, बिल्कुल लाइन के सेंटर पे रखना है, लाइन के ऊपर नहीं रखना। और ऐसे ही आगे और बैक साइड दोनों साइड पट्टी लगा लेंगे अपने। निशान लगाने के बाद थोड़े से हल्के हो जाते हैं तो आप दोबारा निशान लगा सकते हैं। और इसको कट कर देंगे फालतू पट्टी को, और फोल्ड करके 2 इंच के निशान तक फोल्ड कर देंगे इसको। ये हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब नीचे से फोल्ड करेंगे, जितनी लेंथ रखी थी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड कर देंगे। जितना अपने एक्स्ट्रा लिया था उतना फोल्ड कर देंगे। वो आप पे डिपेंड है कि आप चौड़ा फोल्ड करते हो तो उसके लिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो कपड़ा। मैंने 1.5 इंच लिया था। अब शोल्डर से शोल्डर का निशान जो लगाया था मोड़े का, वो आगे पीछे का निशान मिलाते हुए सीधा बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है। उल्टी साइड टांका नहीं लगाना अपने को, सीधी साइड टांका लगाना है। और ऐसे गोलाई से टांका ले आएंगे नीचे तक, जहाँ हमने नीचे तक निशान लगाया है। इसी तरह दूसरी तरफ शोल्डर को शोल्डर से मिला के उस निशान को, ये पर ध्यान रखना उल्टी साइड नहीं लगाना। उल्टी साइड निशान लगाओगे तो वो कफ्तान ड्रेस नहीं बनेगी। ये मैं डोरी तैयार कर रही हूँ, डोरी के लिए कपड़ा काट रही हूँ। ये जिनका भी गाउन बना रही हूँ मैं, ये काफ़ी मतलब हेल्दी है, तो इसके लिए मुझे लंबी डोरी चाहिए। तो इसलिए मैं दो काट रही हूँ, उसका जोड़ लगाऊंगी। तो ये मैंने एक पैर का टांका लगा के लंबी डोरी तैयार करी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैं कट कर रही हूँ। आप इसको सुई से, आपको डोरी सीधी करनी आती है, नहीं भी आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। अब हम गले को इसको बिछाएंगे और सीधी
सेंटर गले का बिल्कुल सेंटर का निशान लगाएंगे, जहाँ हमारी पट्टी लगी है उस पर निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद, सेंटर के निशान के बाद, एक इंच का निशान उस तरफ और एक इंच का निशान इस तरफ लगाएंगे। ये मैं लाइन का आपको सेंटर करके बता रही हूँ। ये देखिए, एक निशान, एक इंच का निशान इधर और एक इंच का इधर, और यहाँ पे हल्का सा कट कर देंगे। ध्यान रखें कि नीचे वाली जो पट्टी लगी है वो कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला कपड़ा कट होना चाहिए। और यहाँ करेंगे हम काज। अब इसमें सेफ्टी पिन के ज़रिए से मैं इसमें डोरी डाल रही हूँ काज करने के बाद। ये देखिए डोरी बन के तैयार हो गई है। इसको ऐसे खींच के अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है, ये अपनी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। और साइडों से इसके कन्नी है। आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो, या फिर लेस लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। तो आप बताना कि आपको ये कैसे लगे कमेंट करके। ओके, बाय।